नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू जय प्रभु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू चार बार से विधायक हैं हिमाचल के नादौन सीट से, और वो प्रचार समिति के अध्यक्ष भी थे। रानी प्रतिभा सिंह और उनके बीच लगातार जो दो तीन दिन से जो प्रकरण चल रहा था विधानसभा में, जिस तरीके से इनको बहुमत मिला है और बहुमत मिलने के बाद सीएम फेस को लेकर दो तीन दिन से जो उठापटक चल रही है, राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ की कांग्रेस की, और लगातार यही बात सामने आ रही थी कि ये दो नाम हैं जो प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महारानी जो प्रतिभा हैं, उनकी जो मंडी लोकसभा से जो सीट है, वो वहाँ से सांसद है, वो कहीं ना कहीं शायद आड़े आ रही होंगे, क्योंकि उपचुनाव उन्हें लड़ना पड़ता और इस वजह से शायद जो कांग्रेस आलाकमान है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो सारी बातें हुई और आखिरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लगी है, वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजा वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के, और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह वो भी विधायक चुनकर आए हैं, तो शायद खबर है कि उनके बेटे को शायद उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और लगातार बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो विवेक अग्निहोत्री हैं, जो विधायक दल के जो विपक्ष के नेता थे कांग्रेस के, उनको भी शायद उप मुख्यमंत्री की पोस्ट दी जा सकती है। तो यही बड़ी खबर है कि दो तीन दिन के उठापटक के बाद नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, 4 बार के विधायक हैं, वो अब हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बारे में काफ़ी देर से जो बहस चल रही थी और बैठक के बाद में ये फैसला आया है। न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।